जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ईरान। ईरान में हिजाब कंट्रोवर्सी है तो पूरे ईरान में बवाल हो गया है। तो किस पर? हिजाब पर। हिजाब यानी नकाब जो पहनती हैं मुस्लिम महिलाएं, तो उसी पर पूरा बवाल हो गया है। तो उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हिजाब कंट्रोवर्सी इन ईरान। तो पूरे ईरान में जो है ना, सो मुस्लिम महिलाएं आप देखते हैं ना, उस पर ना फतवा जारी किया जाता है हिजाब पहनने के लिए, नकाब। तो है ना, सो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पूरे ईरान जो देश है हमारा, है ना, सो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है ईरान। तो ये है ना, ये पूरे देश में क्या हुआ है कि पूरे ना सो ये हिजाब कंट्रोवर्सी हो गया है। ये पूरे हिजाब पर पूरा बवाल हो गया है कि वह है ना सो वहाँ है ना पूरे है ना सो पूरा आंदोलन, उग्र आंदोलन हो गया। महिलाएं वहाँ की है ना सो उग्र आंदोलन पर एकदम उतारू हो गई हैं। तो हर जगह है ना हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। तो है ना सो ये बात मामला यह है कि है ना सो 13 सितंबर के दिन एक है ना सो युवती है, युवती का नाम है महसा अमीन। 13 सितंबर के बाद है कि एक युवती है जिसका नाम है महसा अमीनी। तो ये महसा अमीनी है ना सो ये है ना सो अपने परिवार से मिलने के लिए तेहरान आई। बाहर में रहती थी तो अपने ना सो अपने तो वो है ना सो अपने उनका परिवार तेहरान में रहता था, तो अपने परिवार से मिलने के लिए तेहरान आई। तो तेहरान आई तो है ना सो उसने है ना सो हिजाब नहीं पहना रखा था, हिजाब नहीं पहनी हुई थी। और है ना सो तो हिजाब नहीं पहनी हुई थी तो इस कारण क्या हुआ कि है ना सो उसको वहाँ का ईरान का पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के है ना उसको है ना गिरफ्तार कर लिया, पुलिस हिरासत में डाल दिया। तो है ना इसीलिए पुलिस ने किस लिए गिरफ्तार किया कि इसीलिए कि उसने है ना सो हिजाब नहीं पहना रखा था। कारण यह था, अब महसा अमीन है ना बाहर रहती थी, ईरान में तो रहती नहीं थी, बाहर रहती थी, लेकिन उनका परिवार तेहरान में रहता था। तो आई अपने परिवार से मिलने के लिए, तो है ना हिजाब नहीं पहन रखा था, तो इस कारण वहाँ का पुलिस ने देखा तो उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। और कारण बताया कि तुम हिजाब नहीं पहनी हुई हो, इसीलिए हम तुमको गिरफ्तार करते हैं। अब 13 सितंबर का यह घटना है, जब है ना सो गिरफ्तार करके पुलिस उसको ले गई। उसका फिर मामला क्या होता है कि 3 दिन के बाद यानी कि 16 सितंबर को उसको है ना क्या, वो जब गिरफ्तारी थी तो उसी दौरान उसकी है ना सो मृत्यु हो गई, मौत हो गई पुलिस हिरासत में। वो महसा अमीनी क्या क्या हुआ कि मृत्यु हो गई, मौत हो गई पुलिस हिरासत में। तो ये है ना सो क्या, महसा अमीनी तो तेहरान मिलने आई थी, तो उसको 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में उसका क्या हुआ, मौत हो गया। तो 13 सितंबर को तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, इसीलिए कि ना इसलिए बोला कि तुम हिजाब नहीं पहनी हो, इसीलिए हम तुमको गिरफ्तार करके ले जा रहा है थाना में। थाना में रखकर 2-3 दिन रखा, 16 सितंबर को क्या हुआ, उसके पुलिस हिरासत में मौत हो गई। तो मौत हो गई तो फिर धीरे धीरे जब ये मामला पूरा सामने आया, सार्वजनिक रूप से सामने आया, सोशल मीडिया तो जानते हैं, सोशल मीडिया पर पूरा कोई भी आजकल तुरंत कोई भी बात है ना पूरा फैल जाता है। तो धीरे धीरे पूरा देश में ये बात फैल गया कि पुलिस हिरासत में एक है ना सो नवयुवती की मृत्यु हो गई है, उसकी तो पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। तो क्या ये पुलिस हिरासत में ही पुलिस ने वहाँ की है ना सो उसका हत्या कर दी। कारण यही था कि उसने हिजाब नहीं पहना था। तो ये मामूली से बात था, हिजाब नहीं पहनी तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, लेकिन उसको है ना पकड़ के ले गया। फिर उसका कुछ दिन के बाद है ना 2-3 दिन के बाद उसका मृत्यु हो गई। तो इस पर है ना पूरा बात धीरे धीरे पूरा देश में फैल गया। सोशल मीडिया से आजकल जानते हैं कितना है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इस हिसाब से पूरा फैल गया। तो इस पर है ना पूरे विरोध प्रदर्शन हो गया हिजाब पर कि है ना सो कहा है, लोग है ना उग्र हो गए, वहाँ की महिलाएं लोग है ना पूरा उग्र हो गए कि कहा है एक साधा हिजाब नहीं पहनी तो कोई बहुत बड़ा जुल्म ऐसा नहीं की कि उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और फिर उसको कैसा टॉर्चर दे दिया कि है ना सो 3 दिन में उसके ही उसका मृत्यु हो गई। तो इस पर है ना सो पूरा विरोध प्रदर्शन पूरे ईरान में हो गया है, उग्र प्रदर्शन। और महिलाएं वहाँ की जितनी महिलाएं हैं, युवतियाँ नवयुवतियाँ सब सड़क पर उतर गई हैं, सब सड़क पर उतर के है ना सो ये हिजाब के विरोध में अब प्रदर्शन हो रहा है कर रही हैं। और है ना सो अपने माथा से ना स्कार्फ निकाल के, हिजाब निकाल के खुल्लम खुल्ला ऐसे ऐसे लहरा रही हैं। अभी ईरान में जाइएगा चौक चौराहा पर, तेहरान में हर चौक चौराहा पर बड़ा बड़ा प्ले ग्राउंड में क्या वहाँ पे जो युवती महिलाएं हैं, युवतियाँ हैं, ये सब क्या अपना स्कार्फ खोल के, हिजाब खोल के अब पूरे ऐसे ऐसे हिला रही हैं, नहीं पहनी हुई है। तो ये ना काफ़ी गलत काम किया वहाँ का पुलिस ने कि है ना सो एक तो है ना सो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, थोड़ा डांट डपट देता तो ठीक था, उसको जबरन गिरफ्तार कर लिया, उसका पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट किया, कैसा टॉर्चर किया कि है ना सो उसका 2-3 दिन में मृत्यु हो गया। तो पूरा लोग है ना सड़क पर उतर गया कि काहे ऐसा हुआ कि है ना सो खाली साधारण सा बात था, कोई बड़ा बात नहीं था, तो उसको पकड़ के कैसे पुलिस ने टॉर्चर किया कि उसकी मृत्यु हो गई। पूरा उग्र प्रदर्शन हो गया, लोग इतना उग्र हो गए हैं कि अभी ना सार्वजनिक संपत्ति तक को नष्ट करने
किए हैं। आ इतना प्रदर्शन इतना और भी ज्यादा हुआ कि महसा अमीनी तो मरी ही, पूरा विरोध प्रदर्शन के प्रदर्शन हुआ है, तो उसमें पुलिस के साथ लोगों का हिंसा झड़प भी हो गया है। हिंसा झड़प होने के बाद क्या हुआ है कि वहाँ पे आम जनता में भी तीन लोग मरे गए हैं। आप लोगों ने क्या हुआ है कि काफी मात्रा में भारी मात्रा में सार्वजनिक संपत्ति को काफी नष्ट पहुंचाया है, और पुलिस ने अभी लगभग 20-25 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और इस विरोध प्रदर्शन में तीन और लोग मारे गए हैं, तो और भी प्रदर्शन काफी उग्र हो चला है, और पुलिस और लोगों के बीच में काफी भिड़ंत है। लोगों ने भी पुलिस पर काफी हमला कर दिया है। ये वहाँ का गवर्नर, तेहरान का गवर्नर बोल रहा है कि लोगों ने भी पुलिस को काफी क्षति पहुंचाई है, सार्वजनिक चीज को तो नुकसान पहुंचाया है, पुलिस पर भी हमला किया है। उधर पुलिस तो इस सब मामला में शांत होने का नाम नहीं ले रहा है कि भाई एक साधारण सा भारत का कोई कम उम्र की लड़की है, उसको उतना समझ नहीं है, बाहर से आई है अपने परिवार से मिलने घूमने फिरने आई है हंसने खाने के लिए, असाधारण सा बात था नहीं, स्कर्फ पहनी तो उसको डांट दपट देता, हल्का सा बोलता पहन लो, कोई बड़ा चीज़ नहीं था, इसके कारण उसको गिरफ्तार किया, पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट किया, टॉर्चर किया कि उसको दो तीन दिन में मृत्यु हो गई। तो ये पूरा मामला है कि काफ़ी विरोध हो रहा है, और फिर तो यही है, ये ईरान का सार्वजनिक संपत्ति, तो ये पूरा ईरान का केस है। और फिर हिंदुस्तान में भी हिजाब पर बवाल हो रहा है, ईरान में तो हिजाब पर बवाल हो रहा है, तो वहाँ हो रहा है कि महिलाएं स्कार्फ को खुल्ला खुला लग रहा है कि नहीं पहनेंगे, हमको हिजाब पहनने का जरूरत नहीं है, हिजाब के विरोध में महिलाएं वहाँ की युवतियाँ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन एक हिंदुस्तान हमारा देश है, तो ईरान तो पूरा इस्लामिक मुल्क है, आप जानते हैं वहाँ पर 99% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, और पूरा इस्लामिक देश है, तो एक इस्लामिक देश का ये हाल है कि वहाँ की महिलाएं युवतियाँ हिजाब के विरोध में, नकाब के बुर्का के विरोध में पूरा विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, आप खुल्ला खुला स्कार्फ लड़ा रही है। हमारा देश ऐसा है हिंदुस्तान, जो कि एक सेकुलर देश इसको कहा जाता है, यहाँ बहुसंख्यक आबादी लगभग 85% हिंदू है, जैन बौद्ध है, सिख ये 85% है, अभी यहाँ 14-15% ही मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहाँ पर हिजाब के समर्थन में नारे लग रहा है, इसलिए कि यहाँ हिंदुस्तान में हिजाब के समर्थन में नारा लग रहा है, यहाँ की युवतियाँ बाहर निकल के बोले कि नहीं हिजाब मेरा मौलिक अधिकार है, हिजाब पहनना मेरा मौलिक अधिकार है। तभी इस पर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये मामला ये चल रहा है कि वो यहाँ भारत में हो रहा है कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है, मुस्लिम महिलाओं का मौलिक, ये इस पर चर्चा हो रहा है, मौलिक अधिकार है। तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि क्लासरूम में भी, जो क्लासरूम जहाँ पर ड्रेस कोड होता है, एक क्लास शिक्षा का जहाँ पर शिक्षा पढ़ाई लिखाई होता है, वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसमें वहाँ पर कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, वहाँ पर सब एक समान है, ड्रेस कोड में ही आना होगा। तो लेकिन यहाँ की जो मुस्लिम युवतियाँ हैं वो मांग कर रहे कि नहीं, क्लासरूम में भी हम लोग हिजाब पहन के जाएंगे, बुर्का पहन के जाएंगे, नकाब पहन के जाएंगे, तो मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे धर्म से जुड़ा मामला है। तो इस पर कोर्ट ने साफ जवाब दिया है कि देखिए, और कर्नाटक में भी ये मामला पूरा सामने आया, तो कर्नाटक सरकार बोला है कि देखिए, और या और आम जनता में भी ये बोला गया, कोर्ट में बोला गया है कि ठीक है, आपके धर्म से अगर जुड़ा मामला है ये हिजाब पहनाना, नकाब या बुर्का, तो आप इसको अपने घर में पहन सकती हैं, बाजार जाए तब पहन सकती है, सिनेमा हॉल मॉल जाए, खाने पीने होटल रेस्टोरेंट जाए तो ठीक है पहनिए, अपना हिजाब पहनिए, बुर्का जो भी पहनना है सो पहनिए, अगर स्कूल कॉलेज जा रही हैं तो अपने जाते समय हिजाब पहन सकती हैं, हिजाब पहन जाते, जैसे कोई युवती स्कूल जा रही है कॉलेज जा रही है तो जाते समय अपना हिजाब पहन सकती है, स्कूल के कैंपस में भी हिजाब पहन सकती है। लेकिन लोगों का मानना है कि ये सब जगह आप पहन सकती है, आपका मन ही मर्जी है पहनिए, ना मर्जी है ना पहनिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि पहना जाए, लेकिन जब क्लासरूम ऐसा जगह है यहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, इसमें सभी बच्चा को यूनिफॉर्म में आना होता है, आप कोई नकाब पहन के बुर्का पहन के ऐसे आएगा क्लासरूम में बैठेगा तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो ये मामला ये हिंदुस्तान में वो बोल रहा है कि नहीं मेरा मौलिक अधिकार है, इसलिए क्लासरूम में भी हम हिजाब पहनेंगे, बुर्का पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, लेकिन यहाँ पर बोला कि देखिए क्लासरूम में तो ये ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो इसमें यूनिफॉर्म में ही आना होगा, यहाँ पर आप बुर्का पहन लीजिएगा, नकाब पहन लीजिएगा, तो ये बहुत ही गलत है, यहाँ पर सब बच्चा एक है, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं, यहाँ स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, शिक्षा ग्रहण करने आता है, इसलिए यहाँ पर क्लासरूम में आपको हिजाब नहीं पहनना होगा, आप क्लासरूम के बाहर
उसके कैंपस में आप हिजाब पहनिए, आप जो पहनिए आपका मर्जी है, पहनिए ना पहनिए, तो ये बात है। तो इसके पीछे इस सब मामला के पीछे हमको तो नहीं लगता कि भारत, जब ईरान में इसका विरोध हो रहा है तो भारत की युवतियाँ तो जरूरी नहीं है कि है ना सो हिजाब पहनना चाहती हैं कि नहीं पहनना चाहती हैं, लेकिन इसके पर इसके इसके में भी है ना सो कोई कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन ये सब भी जुड़ा हुआ है, जैसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो आप ये सब जानते हैं, ये सब ऐसा ऐसा संगठन है, तो यही इसके पीछे है, इसको हवा दे रहा है। तो ये कोई हिजाब पहनना कोई मौलिक अधिकार थोड़े ना, आपको पहनना है पहने, नहीं पहनना, लेकिन क्लासरूम में तो यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होता है, तो आप उसमें क्लासरूम में कैसे आप हिजाब पहनेगा, वहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है, तो है ना ये हिजाब को है ना सो सिख के पगड़ी से जोड़ा जा रहा है, तो सिख का पगड़ी एक अलग चीज़ है, उससे मुँह थोड़े चेहरा ये सब थोड़े ना ढका रहता है। तो ये बात मांग रहा है कि क्लासरूम में आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सक, क्लासरूम है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म ही आएगा, आना ही होगा, यूनिफॉर्म सबके लिए एक समान है, लेकिन ना हाँ ठीक है क्लासरूम के बाहर उसके स्कूल के फील्ड में कैंपस में आप रोड पर सड़क पर कहीं भी आपका पहनना न पहनना पहनिए ना पहनना न पहनिए आपका मर्जी है। तो ये है ना सो मामला भी सामने है कि हिजाब है ना कोई है ना इस्लाम में कोई जरूरी एकदम ये नहीं बोला कि एकदम जरूरी चीज़ ही है कि एकदम अनिवार्य ऐसा नहीं कोई है ना कुरान इस सब में लिखा गया है, लेकिन है ना ये धीरे धीरे अपना है ना बढ़ता गया कट्टरपंथी सोच है अपना, जो कि महिलाओं को दाब दूब के रखो, पूरा नकाब ढक ढुक के रख दो, इस तरह की सांस भी नहीं ले सके ऐसा, तो ये अब जो है जिसको मन है पहनना ना पहन ना पहन, लेकिन क्लासरूम में तो ड्रेस कोड ही चलेगा जो होगा। और उस तरह एक ईरान जो है तो एक इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ पर महिला है ना अपना हिजाब खोल कर लहरा रही है, खुल्ला खुल्ला हर चौक चौराहों पर प्रदर्शन कर रही है कि हिजाब नहीं पहनेंगे, काहे ऐसा किया। तो हिजाब के विरोध में ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर महिलाएं लोग सड़क पर उतर चुकी है, हिंदुस्तान में बोले कि नहीं मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा क्लासरूम में भी हम हिजाब पहनेंगे। तो ये काफ़ी है ना सो हंसी हास्यपद बात है, जो इस्लामिक मुल्क में ऐसा हो रहा है, सेकुलर राष्ट्र देश है, जो है ना सो धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें बोला कि नहीं क्लासरूम में भी हम हिजाब पहनेंगे। तो इस पर है ना सो काफ़ी है ना सो ध्यान गौर करने का बात है, इस सोच विचार का बात है कि किसी को दाब दुब के नहीं रखना चाहिए, लड़की है तो क्या उसको पूरा एकदम ढक ढुक के रहेगा, उसको भी सांस लेने का अधिकार है। तो ये सब है ना देखिएगा, वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब चैनल जरूर को कर दीजिएगा, धन्यवाद।